अभी किस तरह के क्रिकेट अवेलेबल है, T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। T20 में धुआंधार बल्लेबाजी होता है, वनडे में नॉर्मल से बल्लेबाजी देखने को मिलता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बहुत स्लो बैटिंग होता है। लेकिन ये क्यों किया जाता है, क्यों होता है, रूल बुक में क्या लिखा है, क्या कोई रूल है ऐसा जिसके लिए ऐसा होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों T20 और वनडे मैच जो होता है ये पूरी तरह से टेस्ट मैच से अलग होता है, क्योंकि टेस्ट मैच में अनलिमिटेड ओवर रहता है, जहां पर बैट्समैन अनलिमिटेड बैटिंग कर सकता है, जहां पर बॉलर अनलिमिटेड बॉलिंग कर सकता है। लेकिन T20 और ODI में सब कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, इवन फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन भी होता है जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता है। तो T20 क्रिकेट में सिर्फ 20 ओवर पे धुआंधार बल्लेबाजी करके एक टीम मैक्सिमम 200 रन बना सकते हैं। अगर ऐसे ही धुआंधार बल्लेबाजी करता है तो सब विकेट गवाकर 300 रन बनाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, ओपोनेंट जो टीम होगा वो तो स्ट्रेटेजिकली खेल के रन तो बढ़ा ही सकते हैं। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में खेलना होता है यानी रन बनाना होता है, साथ में अपना विकेट भी बचाना होता है। लेकिन T20 या वनडे में ऐसा दिमाग में नहीं है, हर वक्त जहन में रहता है कि रन बनाना है और रन बनाना है। इसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में कोई फील्डिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वनडे या फिर T20 क्रिकेट में एक सर्टेन पीरियड पर जो इनर सर्कल होता है उसके अंदर पे प्लेयर्स को रखा जाता है यानी फील्डर्स को रखा जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कोई सर्कल नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट में पहले बॉल से ही किसी भी जगह पर कोई भी फील्डर खड़ा रह सकता है और फील्डिंग भी कर सकता है। इसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में कोई बॉलिंग रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, यानी कोई भी जो अच्छा बॉलर है उसी से ही बॉल कराया जाता है, पर पार्ट टाइम बॉलर से बॉल नहीं कराया जाता है। लेकिन जो ODI या फिर T20 क्रिकेट होता है वहाँ पर जो मेन बॉलर्स होते हैं उनके लिए ओवर रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है, पार्ट टाइम बॉलर से भी बहुत बार बॉल करवाया जाता है। तो फुल टाइम बॉलर से अगर बॉल करवाया जाए तो उनके हर बॉल का मुकाबला करना होता है टेस्ट क्रिकेटर को, और अपना विकेट भी बचाना होता है और अपना रन भी करना होता है। इसके साथ साथ पिच भी ऐसा बनाया जाता है ताकि 5 दिन तक पिच टिका रहे, और ODI या फिर T20 में एक दिन में ही पिच खत्म। तो पिच के कंडीशन के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, और जो पिच ज्यादा दिन तक टिकेगा वहां पर बैटिंग भी ज्यादा दिन तक ही करना होगा, नहीं तो सेकंड जो बैटिंग करने वाला टीम होगा टेस्ट क्रिकेट में उन्हें फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में स्लो बल्लेबाजी करना होता है। तो दोस्तों क्रिकेट और स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको मीठे मीठे कॉमेंट का।